जिनकृत महामोह मद पाना तिनकर कहा करिय नहीं काना असनिज हृदय विचार तज संशय भजु सुन गिरिराज कुमार भ्रम तम कर आपका भ्रम घोर अंधकार है और हमारी वाणी ऐश्वर्य स्वरूप है, इसलिए सब भ्रम का त्याग करके चुपचाप कथा का श्रवण करिए। आपका पहला प्रश्न है, निर्गुण भगवान सगुण क्यों भया? उत्तर ध्यान से सुनिए। बाबा ने कहा, सगुण नहीं अगुण नहीं कछु भेदा गावै मुनि पुराण भेदा अगुण रूप अलख जोई भगत प्रेम बस सगुण सोई जो गुण रहित सगुण सोई कैसे जलहि मगो पर बिलहु नहीं कैसे जा सुना सगुण और निर्गुण दोनों एक है। जल निर्गुण स्वरूप का उदाहरण है और उससे निर्मित तापमान की शून्य अवस्था में उपस्थित बर्फ ये सगुण स्वरूप है। दोनों एक हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। छोटे बच्चे बर्फ को गर्म मानते हैं, उसमें से वाष्प निकलता रहता है ना, भाप निकलता है, तो बर्फ लेते हैं गर्म है। आप उनको लाख समझाओ कि बर्फ खाओ तो खांसी होगी, जुकाम हो जाएगा, नहीं नहीं वो गर्म रहता है, उसमें से भाप निकलता है, बाबा गर्म होता है। ठीक इसी प्रकार से निर्गुण और सगुण भगवान का स्वरूप है। भगवान जो सर्वव्यापी है, कण कण में जिनका वास है वो निर्गुण है, और भक्तों के प्रेम वशीभूत होकर जो सहज स्वरूप में आ जाते हैं वो भगवान सगुण है। भगत प्रेम बस सगुण सो अलग कैसे नहीं आ तो जल हिम उपल बिलग राम सच्चिदानंद दिने नहीं तह मोह निसारे। मेरे राम जी परमात्मा हैं, साक्षात प्रकाश स्वरूप हैं, वहां मोह रूपी रात्रि होती नहीं। भगवान सहज स्वरूप में प्रकाशवान है। भगवान का जो निरंतर स्मरण भजन करता है वो प्रकाश में ही अवस्थित है, उपस्थित है, विराज रहा बैठा है। भगवान परम पुरुष हैं, तत्व विज्ञानी लोग भगवान के स्वरूप को जान सकते हैं। भगवान का वैशिष्ट भाव बताते बताए प्रभु शिव जी ने प्रभु के सिर चरणों में प्रणाम किया, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय।
भगवान के बारे में भ्रम उनको होता है जिनको स्वयं में भ्रम होता है। कैसे? जिसको पीलिया बीमारी हो जाए उसको हर वस्तु पीली पीली ही दिखती। छोटे बच्चे आंख में अंगुली लगा लें तो सूर्य भगवान और चंदा मामा कई दिखाई पड़ते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैया से देवी, जिस प्रकार ये बच्चों का खेला होता है उसी प्रकार अज्ञानियों का भी खेला है। उनको भगवान एक स्वरूप में दिखते नहीं, वो भगवान अनेका स्वरूप में दर्शन करते हैं। और माने किसको, उनको खुद ही भ्रम रहता है। जिनका बोध हो जाए तो ये असत्यता का अपने आप समापन हो जाता है, वो मेरे परम प्रभु हैं। जैसे उदाहरण बहुत सहज और सरल दिया बाबा ने, रजत सीप मोह भास जिमि जथा भानु कर भा जदपि मृषा तिहु काल सोई भ्रमण सरकई को। दूर से नदी के समुद्र के किनारे पर आप सीपी दर्शन करिए तो सूर्य भगवान की किरणों के प्रभाव से वो चांदी नजर आती। रजत सीप महु भास जिम, और हाथ में जल ले लीजिए प्रातः काल तो सूर्य भगवान उसी में दिखाई पड़ते हैं। परंतु ये तीनों भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल में असत्य है, परंतु भ्रम को कौन मिटा सकता है? जो इसी को सत्य मान रखा है उसको कौन मिटा सकता है? इसी प्रकार असत्य को ही सत्य मानकर जगत में जीव दुखी रहता है। हे भवानी, हे भगवती, जिन भगवान का भजन करने मात्र से असत्य जगत अपने आप खो जाता है और सत्य स्वरूप परमात्मा का बोध हो जाता है। जा सुकृपा अस भ्रम मिट जाए गिर जाए सुकृपा आदि अंत को जा सुन मति अनुमान नियम। उन मेरे भगवान का कोई न आदि का पता है न अंत का पता। आद्यांतहीन अचिंत अद्भुत वक्रेश्वर परमात्मा, सबने कयास लगाया, अंदाज लगाया है। जिसने जितना देखा, देखिए जितने भी महापुरुष आप देख रहे हो, कई महापुरुष ऐसे करते हैं भगवान ये है यानी इसमें है भगवान। गुरु नानक भगवान कहते हैं भगवान इसमें है। कई महापुरुष कहते हैं भगवान इसमें है। कई महापुरुष कहते हैं वो सब में है। है कहां? आ तो जिसने जहां देखा वैसा बता दिया। एकम सद विपरा बहुधा बदंती नदिया एक घाट बहु तेरे कहे कबीर समझ के फेरे। नदी एक है उसके अनेक घाट हैं। उसी अनेक घाटों पर बैठा साधक अपने अपने प्रकार से भगवान को देखता है। कोई तो ऐसा बोलते हैं भगवान ऐसे ज्योति स्वरूप है, कोई अलग नहीं कहता है। जिसको जैसा वो दिखाई पड़ गए, जिसको जैसा पता चल गए। जैसे हम कहते हैं कथा ही भगवान है, हमको कथा में ही भगवान का दर्शन हो गया। महाराज हमको कराओ, नहीं 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 आप अपने प्रकार से करो। दर्शन करने की विधा है, दर्शन कराने की विधा कोई नहीं है, वो सब सदगुरुओं की कृपा है। जैसे भाजक भाज्य भजन फल, उस प्रकार से साधक साधना और साध्य,
साध्य तक पहुंचने के लिए साधक को अपने प्रकार से साधन करना होगा, तब साध्य की प्राप्ति है।